या आपको एक और चीज बतानी थी, एक्स्ट्रा पैराशूट की, राइट? सो अभी मैं, भाई लैंड करना है अब अपने को। नहीं 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 राजू हट हट, मेरे को जाना नहीं है तुम्हारे साथ। What is going on everyone? Welcome back guys to the channel. और ये वीडियो में guys मैं आपको कुछ information discuss करने वाला हूँ जो कि हमें future updates में देखने को मिल सकती है and also PUBG mobile से भी related है ये video and also PUBG PC से भी. तो very first of all तो like PUBG PC का cover up कर देते क्योंकि short information है जो कि हमें अभी देखने को मिली है. तो जैसे आप ये gameplay देख रहे हो guys background में, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि ये क्या चीज है. तो very first of all guys PUBG PC की अगर हम बात करें तो recently guys वो developer जो है Alex the PUBG dev, जिसका Twitter account है and वो official बंदा है डेवलपर यू नो PUBG कम्युनिटी का या फिर PUBG गेम का, एंड ये जो है ये PUBG PC के बारे में बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में. तो उसने कल ही गाइज एक ट्वीट की है जिसमें हमें 3 हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलते हैं. एंड अगर आपको पता नहीं है गाइज तो PUBG जो है यू नो PUBG PC वाला, तो उसमें जो है गाइज उसमें हेलीकॉप्टर्स अभी तक आए नहीं है. तो अगर आप PUBG मोबाइल के प्लेयर हो तो आपको तो पता ही होगा कि पेलोड मोड के साथ यू नो हेलीकॉप्टर्स आए थे, बट अभी ऐसा नहीं है गाइज. अभी PUBG PC में भी हमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिलने वाला है. एंड उस डेवलपर ने कुछ कैप्शन डाला था कि वेल आई एम जस्ट हैविंग फन. तो अभी इसका मतलब तो कुछ बनता ही है क्योंकि इसने पोस्ट किया है, और ये बंदा ऐसे ही कुछ पोस्ट नहीं करता. अगर आपने रिसेंटली भी कुछ चेंजेस देखे थे जैसे कि न्यू मशीन गन के बारे में, तो उसने भी मशीन गन पहले लीक की थी यू नो उसका मॉडल वगैरह. तो अभी भी इसने ये फोटो जो है लीक किया है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स देख सकते हो, एंड ये हेलीकॉप्टर सेम है जैसे कि हम लिटिल बर्ड इसे कह सकते हैं जो हमें पेलोड मोड में देखने को मिलता है. तो ये वैसे के वैसे ही हेलीकॉप्टर्स है यू नो कॉम्पैक्ट छोटे एंड मे बी यू नो बहुत ही रिस्पॉन्सिव. तो ये जैसे आप देख रहे हो गाइस ये अभी और डिटेल तो इसके बारे में कुछ आए नहीं है. ये मोस्ट प्रोबेबली PUBG PC में अभी हमें कुछ हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल सकते हैं. अगर आपको पता नहीं है तो ग्लाइडर्स जो है जो आप ये गेम प्ले देख रहे हो अभी बैकग्राउंड में, तो ये ग्लाइडर्स गाइस PUBG PC में बहुत पहले से आ चुके हैं. एंड मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये ग्लाइडर्स यूज करने के लिए कि आपको बता नहीं सकता, मजा आ जाएगा. एंड मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि मैं इतना क्यों एक्साइटेड हूँ. तो ये जो ग्लाइडर्स है गाइस, ये ग्लाइडर्स PUBG PC में क्लासिक मैचेस में अवेलेबल रहते हैं. तो अभी PUBG PC में जो है यू नो पेलोड मोड वैसे कुछ मोड्स नहीं है PUBG PC में, अगर आपको पता नहीं है तो. अगर आप जस्ट PUBG मोबाइल खेलते हो तो PUBG PC में ऐसा कुछ नहीं है. PUBG PC जो है यू नो बहुत ही बेसिक गेम है, उसमें बस क्लासिक मैचेस है, उसके बाद यू नो कुछ स्टेडियम्स भी है, बट जैसे कि हमें PUBG मोबाइल में यू नो देखने मिलता है ज़ॉम्बी मोड, उसके बाद हेलोवीन मोड, तो ऐसे कुछ अतरंगी चीजें हमें PUBG PC में देखने को नहीं मिलती. इसलिए मे भी PUBG PC जो है अभी काइंड ऑफ ठंडा पड़ गया, इतना पॉपुलर नहीं रहा. बट जो भी है गाइस लाइक एक बहुत ही बड़ी थिंग आने वाली है जो कि प्रॉब्ली हेलीकॉप्टर होगा. इसके बारे में और भी कुछ डिटेल आता है तो मैं आपको जरूर वीडियो के जरिए बता दूंगा, बट मे भी हमें फ्यूचर अपडेट्स में या फिर फ्यूचर पैच में PUBG PC में हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल सकते हैं गाइस. तो भी बढ़ते हैं गाइस PUBG मोबाइल के ऊपर. सो PUBG मोबाइल में गाइस अभी रिसेंटली बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है. मैं ग्लोबल बेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गेम फॉर पीस की. तो अगर आपको पता नहीं है गेम फॉर पीस एक्चुअली है क्या, कौन सा गेम है ये, तो आप इसे PUBG मोबाइल का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हो, और वही है यू नो चाइनीज वर्जन है ओनली चाइना कंट्री के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ना चाइना में सब चीजें खुद की बनाते हैं. तो गेम फॉर पीस भी बस यू नो एक्सक्लूसिव टू चाइना कुछ तो है, बट आप उसे खेल सकते हो, आपके ऊपर है. मैं खेलता हूँ ताकि मैं आपको यू नो इन्फॉर्मेशन दू, नए अपडेट्स दू, क्योंकि जो भी नई चीजें आती है सबसे पहले हमें गेम फॉर पीस में देखने को मिलते हैं, एंड बहुत ही अतरंगी चीजें भी. सो रिसेंटली गाइस अभी गेम फॉर पीस का जो बेटा है वो अभी अपडेट होने वाला है, उसमें बहुत सारी न्यू चीजें ऐड होने वाली है. अभी तक तो उसकी कुछ लिस्ट नहीं है, ना ही कुछ लीक्स उन्होंने बताया है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ये जो ग्लाइडर देख रहे हो गाइस, ये मुझे ऐसा लग रहा है, आई मीन कंफर्म नहीं हूं, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि PUBG मोबाइल में अभी इसकी आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि PUBG PC में जो है ये 7 months पहले आ चुका है गाइस. 7 months बहुत टाइम होता है. एंड गाइस अभी आप जैसे देख रहे हो PUBG मोबाइल भी यू नो बहुत ही अभी प्रोग्रेस कर रहा है. PUBG मोबाइल में न्यू लिविक मैप आया है जो कि PUBG PC में भी आया नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो यू नो PC वर्जन में है मोबाइल में नहीं, एंड मोबाइल में है जो PC में नहीं. तो उसी की तरह गाइस ग्लाइडर्स जो है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हीकल है. आप यहाँ पे इसका गेम प्ले देख रहे हो, बहुत कमाल की चीज है यार. एंड ये जो ग्लाइडर है गाइस, ये कुछ आई थिंक पेलोड मोड में आई डोंट थिंक सो ये आने वाला है. ये जो ग्लाइडर है ये क्लासिक मैच में अवेलेबल हो सकता है अगर गेम फॉर पीस के बेटा में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया
किया तो, क्योंकि ग्लाइडर एक ऐसी चीज है जो यू नो लाइक आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर कुछ वेपन्स वगैरह है या फिर इतनी भी ओवर पावर्ड है। ग्लाइडर जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होने वाली है, उसके ऊपर कुछ गन्स वगैरह माउंटेड नहीं है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड ग्लाइडर्स गाइस बहुत ही स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हो। ऑफकोर्स आपके ऊपर है, बट अगर आपको यू नो 5-10 मिनट चलाने को मिला तो आप इजिली चला सकते हो। पबजी पीसी में बहुत ही स्टेबल है। अभी पता नहीं पबजी मोबाइल में इसके कंट्रोल्स कैसे होंगे, बट जो भी है देखेंगे जब आता है तब। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये ग्लाइडर इसकी भी कुछ यू नो लिमिटेशंस है, इसके भी कुछ बुरे पॉइंट्स है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही फ्रेजाइल व्हीकल है, बहुत ही जल्दी आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस पे राइट अवे गैस कैन नहीं मिलता या फिर गैस नहीं मिलता यू नो फ्यूल, तो आपको सबसे पहले फ्यूल ढूंढना पड़ता है अगर आपको एक ग्लाइडर चलाना है तो। अदरवाइज आपको नीचे राइट अवे ये दिख गया है ना, आप उसे चलाने जाओगे तो ये जो व्हीकल होती है ये आउट ऑफ गैस होती है, तो आपको इसमें गैस भरना पड़ता है अगर ये स्पॉन हुई तो। एंड गैस इतना भी नहीं चाहिए यार, आई मीन एक अगर गैस कैन आपने फिल कर दिया इसमें तो यू नो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो 100 तक चली जाती है, तो 0 to 100 बस एक गैस कैन लगता है, दैट्स इट रिफिल होने के लिए। सो जैसे मैंने कहा गाइस, ये जो है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेम फॉर पीस के बेटा में। अभी वो देखते हैं यार कभी आता है गेम फॉर पीस का बेटा। बहुत सारी न्यू चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू नो गेम फॉर पीस के बेटा से। ग्लोबल बेटा की तो आपको चीज पता ही है, इन एंगल 2.0 अब भी आने वाला है ग्लोबल वर्जन में, जो कि गेम फॉर पीस में बहुत महीनों से पहले है। सो गेम फॉर पीस का बेटा गाइस प्रॉब्ली 2 हफ्तों में हमें नया देखने को मिल सकता है, तो जब भी आता है गाइस आपको गेम प्ले मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगा, क्या क्या नई चीजें आती है। होप आप सभी एक्साइटेड हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखना है क्या न्यू चीजें हमें देखने को मिलती है, स्पेशली कैरेकिन मैप अवेलेबल है या फिर नहीं। एंड ऑल्सो 15x स्कोप को मत भूलना गाइस, 15x स्कोप भी हमें जल्द पबजी मोबाइल में देखने को मिल सकता है। तो जरूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, चाहे वो 15x हो, ये ग्लाइडर हो या फिर कैरेकिन मैप। तो जरूर बताना गाइस कमेंट करके क्या लगता है आपको फ्यूचर अपडेट्स के पबजी मोबाइल के बारे में। एंड जैसे मैंने आपको कहा पबजी पीसी में हेलीकॉप्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जब भी अपडेट आती है पैच आता है आपको गेम प्ले जरूर मिल जाएगा इस चैनल पे। सो इसलिए कह रहा हूँ अगर आप नए हो चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं सब्सक्राइब करना, एंड उसी के साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी क्लिक करके जाना, तब कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन राइट अवे आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।